दिनांक 27/8/2023 को जय बाबा भोलेनाथ सेवा समिति द्वारा दूर दराज से जल लेकर वापस अपने अपने घरों को जल लेकर लौट रही भोले की बारात का समिति द्वारा भोले के भक्तों का गर्म जोशी से फूलों की बरसात के साथ स्वागत किया गया और तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाकर कांवरियों व भोले के बारातियों का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें रूह अफजा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक व तरह तरह के व्यंजनों का प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने समिति को धन्यवाद दिया और खुशी का इजहार किया और मनोरंजन व स्वागत के लिए सुंदर नृत्य व झांकियों का भी पूरे रास्ते में आयोजन किया गया। फिल्मी धुनों पर नाच गानों ने सभी का मन मोह लिया। स्वागत में मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मदान, अजय कत्याल, ठाकुर सत्येंद्र सिंह, प्रमोद वाल्मीकि, कोहली जी, मंथन, लाल चंद्र, फहीम भाई, मनोज सिक्का, अनमोल भंडूला, रिंकू भंडूला, राणा भंडूला, विशाल भंडूला, विवेक शर्मा, आकाश कत्याल, लवली सिंह, विजय मल्होत्रा, अजय मल्होत्रा, निमिष मदान आदि लोग मौजूद रहे। सुरेश मदान, ये कामा के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे आप? सावन का पवित्र नाम है और हमारे भोलेनाथ जी की कांवर यात्रा पूरे माह में और लोग कार्यकर्ता लोग और श्रद्धालु कोई दिल घाट से कोई हरिद्वार से जल लेकर आते हैं, उनकी श्रद्धा के अनुसार कोई पैदल आता है, कोई बाइक आता है। ये भोले का ये मेला है, ये भोले की महिमा है जो हम इस धरती पर विराजमान है। हमारे भोले जी के भी लोग के स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ उनके परिवारों से कि एक समाज को एकजुट होकर चलना चाहिए। हमारा पर्व नवरात्रों का भी आता है और मैं सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करता हूँ जो 200 दूर से चलकर पैदल आते हैं आपकर, और कई लोगों में देखता हूँ पैरों पर पट्टी बांधी होती है, मैं उनके चरण छूने का मन करता है कि वो कितनी भावना उनके अंदर है, थके हुए और सांस फूली होती है उनकी, वो बेचारे कभी कभी तो जल भी ग्रहण नहीं करते, खाना भी नहीं खाते, हमारे यहाँ केवल हमारे कहने पर रुकते 2 मिनट फिर चले जाते हैं। और मैं समिति के सभी सदस्यों का और जो हमारा सहयोग करते हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं भोले से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि सभी कार्यकर्ता पर इस पृथ्वी पर आपका हमेशा हमेशा राज रहे, हम आपके सेवक आपकी सेवा में जन्मों जन्मों तक लगे रहें और वैसे उम्र जितनी जितनी है वो तो है ही है, बाकी फिर भी भोले की कृपा से हमारे कष्टों का निवारण हो, हमारे कारोबार में तरक्की हो, हिंदू समाज के परिवार को अच्छी तरक्की मिले और हमारा देश प्रगति करे, यही मेरी कामना है। भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भक्तों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी भक्त और जो सेवक इस वक्त कांवर लेकर आ रहे हैं, जो उनको जल पिला रहा है, कोई उनको चाय पिला रहा है, कोई उनको खाना पिला रहा है, कोई उनकी कांवर उठाकर साथ चल रहा है और बोले उनको देखता हूँ